हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माय सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की वीडियो अपने एक्सरसाइज 3C जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन सबका सोल्यूशन आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज के अंदर करेंगे। और एक्सरसाइज 3A और 3B हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो यहां पर क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू द टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है इसका स्क्वायर रूट करेक्ट टू द टू प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद में टू प्लेसेस तक आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है। अब यहां पर देखिए, हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकेंड होता है आपके पास लॉन्ग डिविजन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है उससे हमें ये जो डेसिमल प्लेसेस तक निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिविजन मेथड। अब लॉन्ग डिविजन मेथड जो है वो हम एक्सरसाइज 3B के अंदर इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हम सीख चुके हैं कि इसको हमें कैसे करना है, कैसे सोल्यूशन करना होता है, कैसे पेयर बनाने होते हैं और कैसे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसी को हमें देखते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को टू डेसिमल प्लेसेस तक सोल्व करने के लिए आपके पास जो मेन नंबर है उस नंबर के जो डेसिमल प्लेसेस है एटलीस्ट उसके अंदर आपके पास 6 नंबर्स होने चाहिए। अब यहां पर तो क्या है, सिर्फ 3 है। अब इसको 6 नंबर्स कैसे बनाएंगे, हम इसको लगेंगे 3 डेसिमल के बाद हम इसको यहां पर लिखेंगे जीरोस। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखे, 6 जीरोस पुट कर दिए। अब यहां पर देखिए पेयर बनाएंगे तो यहां पर 2 2 0 के पेयर बन गए और लास्ट में एक 3 का पेयर बना। ठीक है, हम हमेशा कहां चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, हमें राइट टू लेफ्ट ही जाना होता है हमेशा इसके लिए पेयर बनाने के लिए। अब हमें देखना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है 3, अब इस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर होता है यहां पर हमारे पास 4, तो यहां पर हम 2 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे यहां पर 1 एंड यहां पर भी हम लिखेंगे 1। तो 1 × 1 1, माइनस करने पर आपके पास आया 2 और ऊपर से आपके पास आ गया ये 2 0। ठीक है, और यहां पर देखिए डेसिमल आ गया तो डेसिमल हम यहां पर लगा देते हैं। अब यहां पर क्या होता था, जो भी आपका क्वेश्चन होता था इसका हम करते थे डबल, तो 1 का डबल हो गया आपके पास 2। ठीक है, अब देखिए 1 का डबल हो गया 2। अब यहां पर यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट लगती है उसी डिजिट से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये है 200। अगर मैं बात करूं 25 × 5 ये होता है आपके पास 125। और ट्राई करते हैं 26 × 6 6 × 6 36 कैरी 3 6 × 2 12 + 3 156 ये भी छोटा है। अपने ट्राई करते हैं 27 × 7 7 × 7 49 कैरी 4 7 × 2 14 + 1 14 + 4 189। अगेन ट्राई करते हैं, देखिए 28 × 8 करके भी देखते हैं 8 × 8 64 कैरी 6 8 × 2 16 + 6 224। ये क्या है, मोर देन दिस है, मतलब 200 से ज्यादा है ये, इट्स मोर देन 200। तो यहां पर हम यूज करेंगे दिस वन 27, यहां पर हम लिखेंगे 7 और यहां पर भी हम लिखेंगे 7 और यहां पर जो डिजिट है मल्टीप्लाई करने पर आ रही है 189। अब देखिए 200 में से 189 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा यहां पर 11। अब देखिए 2 0 तो पहले यहां पर आ चुके हैं, उसके बाद ये 2 0 नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें जो टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास 17 और 17 का डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 34। तो यहां पर हम लिख देंगे 34। अब ये तो किया सिर्फ डबल, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें लिखना होता है जो भी क्वेश्चन होता है, मतलब जो यूनिट होती है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं 341 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो अप्रोक्स 341 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 300 × 3 क्या होता है 900, तो यहां से 3 से हमारा काम चल जाना चाहिए। तो ट्राई करते हैं 343 × 3 3 3 9 3 4 12 कैरी 1 एंड 3 3 9 + 1 1029। ठीक है, तो यहां पर 1029 हम लिख देंगे। अब यहां पर देखिए 1029 आ गया, तो अगर अपने बात करें इससे ऊपर ले जाने की, मतलब 3 4
फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फोर इंटू फोर सिक्सटीन कैरी वन, फोर इंटू फोर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन कैरी वन, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस वन 1376 विच इज मोर देन 1100, तो इससे तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब इसमें से देखिए हम माइनस करते हैं 1100 में से 1029, तो आपके पास आएगा 71, और ऊपर से ही आ जाएंगे आपके पास जीरो। अब यहां पर देखिए, अगर अपने बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आपके पास आया यहां पर थ्री, और यहां पर भी हमने लिखा थ्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसका डबल मतलब 173, इसका डबल करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 346, तो यहां पर हम लिखेंगे 346। अब यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं थ्री हम वन से मल्टीप्लाई किया तो 3461 आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका काम हो जाना चाहिए। तो 3 4 6, 2 × 2 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 कैरी वन, 2 4 जा 8 प्लस वन 9, एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पर देखिए अराउंड 6924 आया है। अगर अपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे 6924। ठीक है, अब इसको फर्दर आप आगे ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे ले जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कहां तक बताना है, टू डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। देखिए, टू डेसिमल प्लेसेस तक बताना है तो आपको मिनिमम थ्री डेसिमल प्लेसेस निकालने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको राउंड फिगर करना है। ठीक है, देखिए इसको अपने करते हैं राउंड फिगर में। अब राउंड फिगर का जो फॉर्मूला होता है वो आप सीखते आ रहे हैं क्लास फिफ्थ से। देखिए, अगर अपने बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, अब हमें बताना है करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेसेस। अब टू डेसिमल प्लेसेस तक आपको बताना है, तो यहां पर देखिए आपको दिए जो थर्ड डेसिमल प्लेस है इसको एलिमिनेट करना है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, अगर इफ द नंबर इज बिटवीन 0 to 4, ठीक है, तो हम इस नंबर को एलिमिनेट कर देते हैं सिंपली, मतलब 1.73 इज योर आंसर। अगर ये नंबर जो है मोर देन 5 to 9, मतलब 5 to 9 अगर नंबर है, तो हमें क्या करना होता है, जो इससे जस्ट पहले वाला नंबर है इसको इंक्रीज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर होता 1.735, तो हम क्या करते, इसको एक कैरी दे देते, मतलब 1.74 इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर 2 है तो हमने इसको क्या किया, सिंपली इसको एलिमिनेट कर दिया, और आपका आंसर क्या हो गया, 1.73। तो ये सब देखिए, ये जो आपका है रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क है, मेन जो आंसर है आपका ये वाला। उसके बाद देखिए, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, वैसे ही हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके अंदर देखिए क्या करना है, वही आपको क्या करना है, लिखना है 23। अब देखिए, आपको टू डेसिमल प्लेस तक बताना है तो मिनिमम आपको 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकालना पड़ेगा, और 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए यहाँ पर आपको यूनिट जो आपका डेसिमल है उसके बाद मिनिमम 3 6 डिजिट जो है वो चाहिए। तो यहां से देखिए पेयर बनाते हैं, यहां पर 2 2 के पेयर बनाए। अब पेयर बनाने के बाद देखिए, फर्स्ट जो पेयर है वो 23 है। अगर अपने बात करें 5 का स्क्वायर तो होता है 25, और 4 के स्क्वायर की बात करें तो ये होता है आपके पास 16। तो यहां पर हम लिखते हैं 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस किया आपके पास देखिए ये आ गया 7। अब डेसिमल आया तो एज इट इज हमने यहां पर डेसिमल लिख देना है। ऊपर से 2 जीरो आएंगे, ये आ गया आपके पास 700। अब 4 का डबल होता है आपके पास 8। अब देखिए बात करते हैं 8 85 × 5 के। देखिए, कभी भी आपको ट्राई करना हो 85, आपको मिड में ट्राई कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना आगे जाना और कितना आपको पीछे जाना है। तो 5 × 5 25 carry 2, 5 × 8 40 प्लस 2 42, 425, बहुत नीचे है। तो अपने ट्राई करते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 पे, 87 × 7, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 8 जा 56 प्लस 4 60 609। अगेन अपने ट्राई करते हैं 88 × 8 से, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70
फोर विच इज मोर देन 700, तो इससे तो हम यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर हम लिखेंगे 7 और यहां पर भी हम लिखेंगे 7 और यहां पर आपके पास आ जाएगा 609। तो 700 में से 609 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 91। देखिए ये जीरो का पेयर यहां पर आ गया और यहां पर आएगा नेक्स्ट आपका जीरो का पेयर। अब यहां पर देखिए 47 का जो डबल होता है 47 × 2 ये आपके पास हो जाएगा 94, तो यहां पर हम लिखेंगे 94। अब देखिए 94 है, अब यहां पर अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 9 से 94 × 10 करता हूं तो ये हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 9 से करूंगा तो आपका काम बन जाना चाहिए। तो देखिए करते हैं 949 × 9, 99 = 81 कैरी 8, 94 = 36 + 8, 36 + 8 हो गया 42, सॉरी 44 कैरी 4। उसके बाद देखिए 99 = 81, 81 + 4, 81 + 4 हो गया आपके पास 85, तो यहां पर आपके पास आ गया 8541, 8541। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपके पास देखिए यहां पर आ जाएगा 59 कैरी लेने पर 100 में से। उसके बाद यहां पे पीछे देखिए आपके बचा 90, 90 में से 85 गया तो 559, और ऊपर से जो पेयर है वो जीरो का आ जाएगा यहां पर नीचे, यहां पर हम लिख देंगे देखिए 9 और यहां पर भी हम लिख देंगे 9। अब हमें डबल करना है देखिए 479 का, इसका जब हम डबल करेंगे देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, 9 × 18 कैरी 1, 7 × 2 = 14 + 1 = 5 कैरी 1, एंड 4 × 8 + 9 = 58। तो यहां पर क्या आ जाएगा 958। अब यहां पर देखिए क्या है आपके पास 5590। ठीक है, अब यहां पर देखिए 958 वन से करेंगे तो देखिए अप्रोक्सीमेटली कहां आ रहा है, तो हमें इसको करना पड़ेगा 5 से करते हैं देखिए 5 × 5 = 25 कैरी 2, 5 × 8 = 40 + 2 = 42 कैरी 4, 5 × 5 = 25 + 4 = 29 कैरी 2, एंड 5 × 9 = 45 45 + 2 = 47 47925। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 5 से ही अपना काम चल जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 और यहां पर आपके पास आ गया 47925। माइनस कर सकते हैं आप, इसको फर्दर आगे ले जा सकते हैं लेकिन आगे ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अपने बात करें आंसर की, द स्क्वायर रूट ऑफ 23 = 4.795। अब आपको बताना है करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेस। अब यहां पर देखिए क्या है, 5 है तो यहां पर हम ले जाएंगे 1 कैरी, तो यहां पर देखिए 4.80 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, यहां पे कैरी ले गए 9 9 + 1 10 कैरी 1, ये हो गया आपका 8, तो 4.80 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर देखिए क्या है, बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर क्वेश्चन करेंगे अपने। देखिए क्या है 478 आपको चाहिए 3 डेसिमल प्लेस तक। आप यहां पर क्या डेसिमल के बाद लगाएंगे 6 जीरोस, पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। अब यहां पर देखिए जो फर्स्ट पेयर है आपका 4 है, तो हमें यहां पर लेना पड़ेगा 2 2 2 = 4, माइनस करने पर यह तो आ गया 0 और ऊपर से आया आपका 78 का पेयर। अब 78 का जो पेयर आ गया आपके पास, तो इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, 2 2 का डबल होता है आपके पास 4। अब देखिए मैं बात करता हूँ 42 × 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84 विच इज मोर देन 78, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा 1 से, तो 1 से किया 41
माइनस करने पर आपके पास आया यहाँ पर 37, ठीक है, और ऊपर से ही आपके पास आया 00। अब यहां पर देखिए डेसिमल है तो यहां पर हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। 21 का डबल होता है आपके पास 42। अब यहां पर देखिए 3700 है, तो अगर मैं 429 इंटू 9 करूंगा तो क्या मेरा काम बनेगा, लेट मी ट्राई। 9 इंटू 9 81, कैरी 8, 9 टू जो 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 हो गया आपके पास 26, कैरी 2, एंड 9 फोर जा 36 प्लस 2 38, तो 3861 विच इज मोर देन 37, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राई करना पड़ेगा इसको 8 से, ठीक है, 9 ज्यादा हो गया तो 8 से ट्राई करेंगे हम। तो करते हैं देखिए, 428 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, कैरी 6, 8 8 टू जा 16, 16 प्लस 6 22, कैरी 2, एंड 8 फोर जा 32 प्लस 2 34, 3424। तो यहां पर हम लिखेंगे 3424, माइनस करेंगे, देखिए यहां से हम कैरी देंगे 10, यहां से इधर कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा और वो 9 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 4 2, तो यहां पर आपके पास आ गया 276, और ऊपर से आपका जो है ये 00 यहां पर नीचे आ जाएगा। और यहां पर हम प्लेस करेंगे 8, और यहां पर भी हम लिखेंगे 8। फर्दर देखिए, देखिए इसके आगे हम ले यहां पर कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई यहां पर। देखिए क्या है 2760, ठीक है। अब यहां पर इसका डबल करते हैं, देखिए 8 2 16, 8 2 16, कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, एंड 2 2 4, ठीक है, हमें इसका डबल करना है। अब यहां पर देखिए 436, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो है आपका इस तरीके का नंबर आ जाए। देखिए अगर मैं बात करता हूं 4365 इंटू 5, 55 जा 25, कैरी 2, 56 जा 30 प्लस 2 30, कैरी 3, 53 जा 15, 15 प्लस 3 18, कैरी 1, 54 जा 20 प्लस 1 21। तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम देखिए 6 से ट्राई करते हैं, देखिए इसको 4366 इंटू 6, 66 जा 36, कैरी 3, 66 जा 36 प्लस 3 39, कैरी 3, 63 जा सॉरी 63 जा 18, 18 प्लस 3 21, कैरी 2, एंड 64 जा 24 प्लस 2, ये आ गया 26196, ठीक है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके क्या 27,000 से ज्यादा निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 6, और यहां पर भी हम लिखेंगे 6। अब देखिए माइनस करते हैं, देखिए माइनस करेंगे तो यहां से कैरी थी 100 में से जो आपका 96 किया तो बचा आपके पास 404, और यहां पर देखिए क्या है आपके पास 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 6 गया तो आपके पास सॉरी 7 में से 1 के 6 गया तो 1, और यहां से देखिए ऊपर से आपके एक पेयर पड़ा है 0 का, तो ये एक पेयर हम यहां पर ले आएंगे, ठीक है। और यहां पर इसका 2186 का जो डबल करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 2 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, 4372, ठीक है। अब यहां पर अगर अपने बात करें 4372, अब इसको अगर अपने 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स आपका 43,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 × 3 = 12, तो ये आपका है 14, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 = 9, 3 × 3 = 3, 3 7 = 21, कैरी 2, 3 3 = 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 3 4 = 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो 131,139। अब इसको आप माइनस कर सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे 3 और यहां पर हम लिखेंगे 3, तो हमारा काम जो है बन गया। हमें आपको डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए,
करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेस करने के लिए। तो यहां पर अगर अपने बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 478 इज 21.863, और अगर अपने बात करें तो 21.86 इज योर आंसर, क्योंकि 3 है, 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 5 होता तो यहां पर 8 7 हो जाता, तो यहां पर जो आपका आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी आज की वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिए, ठीक है, मैं वहां पर भी आपकी जो है हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और देखिए प्रैक्टिस जो है, आपकी प्रैक्टिस से ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है अपनी वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पे विजिट करके आपको वहाँ पर जो है नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी उनसे भी आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए अब तक अगर आप वीडियो के साथ बने हुए हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो यहाँ पर क्या है, 789 डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 00000 एंड 00, ठीक है, 6 अपने को नंबर चाहिए। पेयर बना दिए, अब पेयर बनाने के बाद देखिए 7 है। अब देखिए 7 की अगर अपने बात करें, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2। यहाँ पर आया 4, माइनस करने पर आया 389, ऊपर से जो पेयर आ गया 89, ठीक है। अब 2 का डबल होता है 4, अगर मैं बात करूं 40 × 10 4, ये आपका होता है 400, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 49 × 9 करूं तो 9 × 9 = 81 कैरी 8, 9 × 4 = 36, 36 + 8 हो जाएगा 44, ज्यादा निकल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 48 × 8 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 48 × 8 64, 4 कैरी 6, 8 × 4 32 + 6 38 384। अब माइनस करने पर आपके पास यहां पर आया 5, और ऊपर से आपके 00 आ गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब यहां पे अगर देखिए, हमने यहां पर लिखा 8 और यहां पर भी हमारे पास आ गया 8, ठीक है, डेसिमल यहां पर हम लगा देंगे। अब अगर अपने बात करें 28 का डबल 56, अगर मैं इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी जो नंबर है वो इस 500 से क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम यहां पर लिखेंगे 0 और एक पेयर जो है आपका एक और नीचे ले आएंगे, ये आपका हो गया यहां पर 50,000, और जो 0 यहां पर लगाया वही 0 हम यहां पर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 280 का जो डबल होता है वो क्या होता है, 560। अब यहां पर देखिए 560 हो गया, अब हम इसको कर सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5605 × 5 25 कैरी 2, 5 × 0 = 5 यहां पर आ जाएगा एज इट इज 2, 5 6 = 30 0 कैरी 3, 5 5 = 25 + 3 = 28, तो 28,025, ये तो बहुत ही ज्यादा पीछे है, तो हमें अप्रोक्सीमेटली इसको ट्राई करना पड़ेगा 8 से। तो चलिए हम इसको 8 से ट्राई करते हैं, 5 6 0 8 × 8 8 × 8 = 64, 8 6 = 48 कैरी 4, 8 × 5 = 40 + 4 = 44,864। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं 44,864। अब यहां पर देखिए जब हम इसको कैरी देंगे, देखिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 864, यहां से हम फर्दर कैरी देते जाएंगे, तो यहां पर ये तो 9 बनते जाएंगे और ये 10 हो जाएगा, 10 − 4 = 6, 9 − 6 = 3, 9 − 8 = 1, 9 − 4 = 5 एंड 4 − 4 = 0। तो यहां पर आपके पास आ गया 5136, और ये वाला जो पेयर है इसे भी हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ये दो दो पेयर यहां आ गए थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो है आपका यहां पर 8 आ रहा था, यहां पर भी 8 लिखेंगे और यहां पर भी हम 8 लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब जो नंबर है उसका हमें करना पड़ेगा डबल, नंबर क्या है देखिए,
2808, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 8 16, 16 6 कैरी 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो यहां पर आ गया 5660। अब यहां पर देखेंगे अगर अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, देखिए देखिए आपको 15 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 56,161 और यहां पर क्या है आपका 51,000। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5616 9 से, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 हो गया आपके पास 62 कैरी 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 9 6 जा अगेन 54, 54 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 55 कैरी 5, 9 9 जा 45 प्लस 5 आपके पास हो गया 50। तो यहां पर देखिए 505521 और माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8079। तो यहां पर हम लिखेंगे 9 और यहां पर भी हम लिखेंगे 9, तो फाइनली आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 789 है क्या आ गई आपके पास, ये आ गई 28.089। अब आपको बतानी थी करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेस, तो टू डेसिमल प्लेस तक ये हो जाएगी आपकी 28.09। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन जो आपकी वीडियोस हैं अच्छी लग रही हैं, आपको हेल्पफुल लग रही हैं, तो इसे लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपको चैनल से हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका काउंट बढ़ाएं, अपने जो मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स हैं वो बढ़ाएं ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और जो वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आए और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।